श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। आज श्री स्तुति के दसवां श्लोक का अर्थ वर्णन करने वाले हैं। आपन्नार्ति प्रशमन विधौ बद्ध दीक्षस्य विष्णोः आचक्युस्त्वां प्रिय सहचरीमैकमत्योपपन्नाम् प्रादुर्भावैरपि समतनुहु प्राध्वमन्वीयसे त्वं दूरोत्क्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरङ्गैः। आपन्नार्ति प्रशमन विधौ बद्ध दीक्षस्य विष्णोः आचक्युः त्वां प्रियसहचरीम् ऐकमत्या उपपन्नाम् ऐकमत्या उपपन्नाम् प्रादुर्भावैः अपि समतनुः प्राध्वम् अन्वीयसे त्वं दूरोत्क्षिप्तैः इव मधुरता दुग्धराशेः तरंगैः। ऐसा पदच्छेद। इस श्लोक में लक्ष्मी जी और भगवान श्रीमन नारायण दोनों का जो समान अभिप्राय कथा, एक ही अभिप्राय, एक ही उद्देश्य वर्णित है। क्या उद्देश्य है दोनों का? आपन्नार्ति प्रशमन विधौ, जो जिस किसी भी तकलीफ को प्राप्त करते हैं उन भक्तों को उस दुखों से दूर करने का काम करना, दोनों का मुख्य उद्देश्य है। हम जैसे सामान्य भक्तों के जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करने में तत्परता, उसी को मुख्य काम के समझना, ये लक्ष्मी जी का और भगवान नारायण का मुख्य कृत्य है, मुख्य उद्देश्य है। इसमें भगवान दीक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, भक्तों को कष्ट दूर करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, समझ लीजिए। तब उसमें उस यज्ञ में दीक्षित हैं भगवान विष्णु। जब विष्णु दीक्षित हैं तब उनकी पत्नी के रूप से विराजमान लक्ष्मी जी उस यज्ञ में संपूर्ण रूप से साथ देती है। यज्ञ में यजमान को साथ देना पत्नी का काम है, इसलिए पत्नी शब्द का निर्वचन करते वक्त पाणिनि कहते हैं पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। पति शब्द के ऊपर न प्रत्यय आता है, उसके ऊपर ङीष् प्रत्यय आता है। वो यज्ञ संबंध जहाँ है वहाँ ही पत्नी शब्द का उपयोग करना है, नहीं तो भार्या शब्द का ही प्रयोग करना है। इसलिए पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ में संबंध रखना है। यज्ञ में पतिदेव के साथ रहकर आहुत्यादि देते वक्त साथ में रहना चाहिए। उसी प्रकार भगवान का ये जो बहुत बड़ा यज्ञ है, आपन्नार्ति प्रशमन विधि ही, आपन्न दुख में रहने वाला उनका जो आरती है, दुख है, पीड़ाएं हैं, उनको प्रशमन, उसको दूर करने का, उनको नष्ट करने का जो प्रक्रिया, नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, नष्ट करने का जो विधि विधान है, उसमें भगवान बद्ध दीक्ष हैं। उस बद्ध दीक्षस्य विष्णोः प्रिय सहचरीम ऐकमत्योपपन्नाम प्रिय सहचरीम, एकमति के साथ, उसी ज्ञान के साथ, और उनका जिस प्रकार का ज्ञान उस प्रवृत्त होता है भगवान का, उसी प्रकार का एकमति के साथ, उसी मति के साथ, बुद्धि के साथ। ऐकमत्यम शब्द इसी से बनता है, ऐकमत्यम यानी समान अभिप्रायकता, दोनों पति पत्नियों के बीच में रहने वाला एक ही अभिप्राय, जो कोई उन दोनों के बीच में दुविधा नहीं डाल सकते हैं, उस प्रकार समान अभिप्रायकत्व जो है उसको रक्षण करने वाली प्रिय सहचरी के रूप से त्वाम आचक्यु, महर्षियाँ तुझे कहते हैं। महर्षियाँ तुझे किस प्रकार समझते हैं? कि भगवान जब दुष्टों, भक्तों का तकलीफों को दूर करने का
प्रक्रिया दूर करने की प्रक्रिया में बद्ध दीक्ष होकर आगे बढ़ते हैं। यज्ञ में दीक्षित जैसा वैसे सहचरी बनकर, प्रिय सहचरी बनकर, एकमति के साथ, उनके साथ अलाइंड बुद्धि, अर्थात उनका, उनके जिस प्रकार का उद्देश्य है उसी प्रकार के उद्देश्य के साथ उपपन्ना, साथ में रहने वाली जो प्रिय सहचरी है वैसा तुझे कहते हैं। इतना ही नहीं है, प्रादुर्भावैरपि समतनुः राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु च अवतारेषु विष्णोरेषा अनपायिनी, ऐसा कथित प्रकार से प्रादुर्भावों में भगवान जिस प्रकार का अवतार लेते हैं उसके अनुरूप से एक स्वयं शरीर को धारण करती हुई प्राध्वम अन्वीय से बहुत ही स्नेह भरी भाव से उनके साथ ही अन्वीय से उनके साथ अपना जीवन, अपना भी जन्म को, अपना भी अवतार को कंटिन्यू करती हो, उनके साथ ही स्वयं भी अन्वीय से फॉलो करती हो और उनके साथ चलती हो, ऐसा मतलब है प्राध्वम अन्वीय से। प्राध्वम शब्द का मतलब है बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही एकमति के साथ। प्राध्वम अन्वीय से त्वम, कैसे अन्वीय से, उसके लिए एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूरोत्क्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरंगैः, जैसे क्षीरार्णव है, क्षीर समंदर है, क्षीराब्धि है, उसकी जो लहरें हैं वो जैसे ऊपर उड़कर पानियों को वहाँ छिटकता है, पानियों को फेंकता है, उस पानी के साथ जिस प्रकार मधुरता भी साथ में आती है, वो पानी जहाँ दूर तक जाता है उसका असर पड़ता है वहाँ तक मधुरता भी साथ में जाती है, उसी प्रकार दुग्धराशे तरंगई ही मधुरता इव, दुग्धराशे दूरोत्क्षिप्त ही, बहुत दूर तक फेंकी गई अर्थात लहरों की वजह से दूर तक फेंकी गई दुग्ध राशि का जो तरंग है उनका, उसका जो, उसकी जो वीचियाँ हैं उसमें, उसमें जिस प्रकार मधुरता भी साथ में आती है उसी प्रकार भगवान के साथ आप भी हर अवतार में उनके साथी बनकर, समान हृदय बनकर, समान स्कंध बनकर, उनको साथ देते हुए आप भी फॉलो करती हो, आप भी उनके साथ चलती हो, ऐसे लक्ष्मी जी आप विराजमान हैं, ऐसा कहने में इस श्लोक का तात्पर्य है। और इसका अन्वय इस प्रकार कहना है, आपन्नार्ति प्रशमन विदो बद्ध दीक्षस्य विष्णो होम त्वं ऐकमत्योपपन्नाम प्रिय सहचरीम आचक्युः, कौन वेद भी कहते हैं और महर्षियां भी कहते हैं आचक्युः, दूरोत्क्षिप्तैः दुग्धराशेः तरंगैः मधुरतायव त्वं प्रादुर्भावैः अपि समतनुः प्राध्वम अन्वीयसे। दुग्धराशे तरंगैः, वहाँ शब्द तरंगैः तृतीया विभक्ति में, यहाँ प्रादुर्भावैः, दुग्धराशि में तरंग, बहुत तरंग लहर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अवतार होते हैं, अवतार में मधुरता, जैसे भगवान का अवतार तरंग जैसा है तो उसमें जिस प्रकार मधुरता साथ में है, उसमें स्वीटनेस जिस प्रकार साथ में आती है, दुग्ध राशि में, दुग्ध राशि तरंगों में जिस प्रकार मधुरता साथ में है उसी प्रकार भगवान के अवतारों में आप साथ में रहती हो। आप अगर नहीं है तो उसमें मधुरता ही नहीं रहेगी, इसलिए आपकी वजह से भगवान के अवतार में खूबी लाई जाती है, और वैसे खूबी लाने वाली आप हो, आप ही उनके साथ इस बड़ा यज्ञ में पत्नी बनकर, सहचारिणी बनकर उनको मदद करती हो, दोनों मिलकर आखिर हम जैसे भक्तों को रक्षण करते हैं, हमारे तकलीफ़ों को दूर करना, इस प्रक्रिया में आप दोनों दीक्षित हैं, समान रूप से अपना कृत्य समझकर इस यज्ञ को निर्वाह करते हैं, ऐसा मतलब इस श्लोक में आविष्कृत है।
श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। आपन्नार्ति प्रशमन विधौ बद्ध दीक्षस्य विष्णोः अचक्षुस्त्वां प्रिय सहचरीमैकमत्योपपन्नां प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राध्वमन्वीयसे त्वं दूरोत्क्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरङ्गैः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दासा।